अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट के पूरा देखिए। यदि मेरे चैनल पर आप नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ, एक मेरा सब्सक्राइबर है, वो मुझे कल दो तीन दिन पहले वो मुझे मेल किया था पर उसका मेल देख नहीं पाया था। तो फैनी दोस्तों, कल मैं उसका मेल देखा हूँ, फिर मेल देखने के बाद पढ़ने के बाद उससे मैं रिप्लाई भी किया हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने मेल ये किया था कि भाई मैं मेरे एक एजेंट के थ्रू मैं कुवैत के वीज़ा के लिए मैं अप्लाई किया था करीब 10-12 दिन पहले। तो वो एजेंट बोल रहा है मेरा वीज़ा आ चुका है और मैं उसे करीब करीब 18-19 हज़ार रुपये मैं उसे दे भी चुका हूँ। तो आप चेक करके बताइए क्या ये वीज़ा मेरा सही है, जेन्युइन है या फिर फर्जी है। तो साथियों, मैं तो उसी टाइम समझ गया था ये तो वो एजेंट जो भी है वो फ्रॉड कर दिया इसके साथ। तो सबसे पहले दोस्तों उसका वीज़ा पासपोर्ट नंबर लिया, उसके बाद मैंने चेक किया। तो चेक करने के बाद मालूम चला कि वो वीज़ा जो दिया गया है वो बिल्कुल फर्जी है, मतलब इनवैलिड एरर लिखा हुआ आ रहा था। तो मुझे उससे बातचीत हुई तो मैंने बताया, तो भाई आपका ये वीज़ा जो है वो बिल्कुल फ्रॉड किया आपके साथ, आपका पैसा वो घटक गया पूरा, वो वीज़ा फर्जी है। दोस्तों ये बात मैं आपको पहले ही बताया था कि कोई भी वीज़ा भी नहीं निकाला जा रहा है। मैं वीडियो कल बनाया भी था और इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को मैं सब देखिए और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम पे एजेंट क्या है बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड का काम करेगा, क्योंकि 8 से 10 महीनों से उसके पास पैसे आने कोई रास्ता ही नहीं बचा है, क्योंकि सारा कंट्री अभी बंद है, कहीं को भेज नहीं पा रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल सावधान रहिए। तो अब वो मैंने उससे पूछा कि आप उससे पैसे मांगिए, उससे बोलिए कि वीज़ा फर्जी है। तो दोस्तों सबसे बड़ी गलती वो क्या कर दिया था, वो पैसा जो दिया था वो कैश में दिया था, वो ना नेट बैंकिंग किया था ना बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र किया था, वो कैश पैसा जो पूरा का पूरा कैश में दिया था। तो कैश में देने के बाद दोस्तों कोई प्रूफ ही नहीं रहता है कि आपके पास कि आपने उसे पैसा दिया हो। तो साथियों उसका पैसा हो गया पूरा बर्बाद, ये तो आप भी समझ गया, मैं भी समझ गया, अब कुछ तो हो नहीं पाएगा। सबसे बड़ी बात है क्या, जो एजेंट को जो पैसा दिया है वो उससे वो दूसरे शहर का है और वो रहने वाला दूसरे शहर का है, मतलब 70-80 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अब तो जाहिर सी बात है अगर लोकल रहता तो कुछ आदमी कर भी सकता है, तो दूरी इतना है वो कुछ कर भी नहीं पाएगा। तो साथियों मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अभी घर में बेरोजगार बैठे हैं और सिर्फ वीज़ा का इंतजार कर रहे कि कब कोई भी देश कतर हो कुवैत हो वीज़ा स्टार्ट हो और मैं फटाक से वीज़ा के लिए अप्लाई करूँ और मेरा वीज़ा आ जाए मैं चला जाऊँ। पर दोस्तों ऐसा अभी बिल्कुल भी नहीं, अभी वीज़ा जो नॉर्मल स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, जो भी एजेंट जो भी लोग आपको बोल रहा है कि नॉर्मल वीज़ा कुवैत का स्टार्ट हो चुका है तो वो नहीं हुआ। ये बात मैं कल भी वीडियो बना के बताया था आप लोगों ने देखा भी, मुझे शुक्रिया अदा भी किया। पर दोस्तों मैं फिर भी लोग गलती कर रहे हैं, वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं बेमतलब का, फालतू का पैसा भी दे रहे हैं, पैसा बर्बाद भी हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अभी कोई भी वीज़ा के लिए अप्लाई ना करें, जो नॉर्मल वीज़ा जब स्टार्ट हो जाएगा, तो नॉर्मल वीज़ा जब स्टार्ट होने की उम्मीद दिसंबर जनवरी तक उम्मीद है स्टार्ट हो जाएगा सभी वीज़ा। अभी सिर्फ सभी धीरे धीरे लोगों को लाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, डोमेस्टिक वर्करों को भी दोस्तों लाने का सिलसिला स्टार्ट हो भी चुका है, 600 वर्कर को डेली लाया भी जाएगा, ये बात मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था। तो दोस्तों अभी किसी को पैसा ही मत दीजिए, पैसा फंसेगा, पैसा बर्बाद होगा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा है पूरा हो गया होगा, आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके, लोगों का पैसा बच सके। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ।